हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसान नेता और आम आदमी पार्टी के सदस्य रामपाल जाट ने गुरुवार को प्रेस क्लब में पीसी की। रामपाल को अनशन की अनुमति नहीं मिलने और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की सभा के लिए अनुमति नहीं दिए जाने पर पुलिस और जिला प्रशासन पर बीजेपी के दबाव के आरोप लगाए। सवाल ये है कि राजस्थान जिसमें 72% लोग किसान या किसान किसानी पर आधारित जीवन गुजारते हैं, उसकी राजधानी जयपुर में किसान की क्या हिस्सेदारी है? क्या किसान की इतनी भी हिस्सेदारी नहीं है कि उसको 1 इंच जमीन बैठने को मिले? उसकी आवाज उठाने वाले आदमी को, उसकी आवाज उठाने वाले नेता को साइकिल रिक्शा में अनशन करना पड़े? ये सरकार के अहंकार के अलावा कुछ नहीं है। प्रदेश का किसान और देश का किसान इसको देख रहा है। यह अभूतपूर्व है। किसानों का इस तरह का अपमान, इस तरह की हठधर्मता हिंदुस्तान के इतिहास में और अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुई। मैं दरख्वास्त करूंगा आदरणीय रामपाल जाट जी से, उनका पिछले 3 दिनों में 3 किलो वजन कम हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, उनको लूज मोशंस हुए, तबीयत खराब हुई और ऐसी हालत में वो जिस तरह से संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सबको प्रेरणा देने वाला है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि सबसे पहले वो इस आंदोलन और जो ये घटनाक्रम रहा है इसके ऊपर मीडिया को संबोधित करें। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।